देखो, तो टॉपिक का नाम है वर्क पार। तो आज वर्क पार एनर्जी की रिवीजन है। वर्क पार एनर्जी, ठीक है। वर्क पार एंड एनर्जी, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें टर्म वर्क से, तो वर्क कब बोला जाता है कि वर्क हो गया? जब कोई बॉडी में हम फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वर्क हो गया, पहला पॉइंट है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। तो वर्क का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, वो है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको वर्क डन देगा। वर्क डन स्केलर है। तो पहला पॉइंट ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इसमें वर्क डन में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल पे डिपेंड करता है कि वर्क डन कितना होगा, और क्या पता ज़ीरो हो जाए। जैसे अगर मान लो फोर्स भी इस तरफ है, एक ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन की वैल्यू 10 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ ज़ीरो, सिंपल, इतने जूल का वर्क डन है। लेकिन अगर मान लो फोर्स 10 न्यूटन इस तरफ है एक ब्लॉक के ऊपर, और 5 मीटर की फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, एंगल 30 डिग्री है, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 30, कॉस ऑफ 30। उसी तरीके से अगर फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो इनके बीच में एंगल 90 है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। वर्क डन की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, राइट। और उसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है, तो एंगल इनके बीच में क्या होगा? 180। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ एस इंटू कॉस ऑफ 180। कॉस 180 नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव वर्क डन। इट मींस क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। तो अब अगर हम बात करें पॉजिटिव वर्क डन, तो पॉजिटिव वर्क डन तब बोला जाता है जब आपका फोर्स फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है थीटा, वो लेस देन क्या होता है? 90। तो अगर लेस देन 90 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो फोर्स है, वो जो आपका वर्क डन है, वो क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका फोर्स इस तरफ है, ऊपर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, एंगल इनके बीच में 90 है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो। नॉर्मली यही वर्क डन पॉजिटिव होते हैं जितने हम काम करते हैं, लेकिन 90 कब होता है? सबसे पहला एग्जांपल कुली का एग्जांपल है। कुली अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स ऊपर लगाता है, डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ करता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या होता है? 90, जिस वजह से वर्क डन क्या होता है? ज़ीरो। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा एग्जाम्पल है, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है, तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करती है? टुवर्ड्स सेंटर। और कोई भी बॉडी की वेलोसिटी वेक्टर हमेशा कैसे होता है? टेंजेंशियल। वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल है, और बॉडी जब सर्कल में घूमती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करती है? टुवर्ड्स सेंटर। तो अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी dr वेक्टर या ds वेक्टर, जो भी आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, वो भी कैसी होगी? टेंजेंशियल। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, वो पता है क्या होती है? dr बाय dt। तो जिस डायरेक्शन में v है, उसी डायरेक्शन में dr है। क्लियर है? तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होगी, तो एंगल डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में क्या आएगा? 90। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो सर्कुलर मोशन के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या है? ज़ीरो। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई काम नहीं करती, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ये बहुत आता है पेपर में। और ये नहीं है कि बॉडी पूरी सर्कल में ही घूमे, बॉडी ऐसे भी घूम सकती है, जैसे सपोज कोई भी, मान लो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम
इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये हमने किया था, तो ये सर्कुलर मोशन की तरह से घूम रहे हैं, तो इसमें जो टेंशन होगी, टेंशन वो कहाँ एक्ट करेगी, टूवर्ड्स सेंटर, और वेलोसिटी वेक्टर कैसे होगा इसका, टेंजेंशियल, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसके टेंजेंशियल है, जिस डायरेक्शन में भी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल फिर से क्या बनेगा इनमें 90, तो टेंशन, टेंशन भी एग्जैक्टली कितना काम करती है, जीरो वर्क डन करती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो कुली वाले एग्जाम्पल में वर्क डन जीरो है, पेंडुलम में टेंशन कोई काम नहीं करती, सेंट्रिपेटल फोर्स तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। अगर कोई बॉडी सेमी सर्कल में घूमती है तो भी सेंट्रिपेटल फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड सेंटर, और वेलोसिटी वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ पर होगा, टेंजेंशियल, तो भी इसका वर्क डन क्या माना जाएगा, सेंट्रिपेटल का, जीरो। बस आपने ये याद रखना है कि जब भी वर्ड सेंट्रिपेटल आ जाए वर्क डन की वैल्यू आपने क्या कर देनी है, जीरो। क्या ये पहला स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है, दूसरा, नेक्स्ट, ये तो था पॉजिटिव और जीरो वर्क डन, अब वर्क डन है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, जब भी कोई बॉडी मान लो आगे की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट मैंने ऐसे करके फेंक दिया, इसे मैं फोर्स ही लगा रहा, बस फेंक दिया, तो मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड के साथ आगे मैंने फेंका इसे, पर क्योंकि ज़मीन पे फ्रिक्शन थी, फ्रिक्शन की फोर्स स्लाइडिंग में, जब कोई बॉडी स्लाइड करती है वो कहाँ करती है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो एंगल डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में, फ्रिक्शन में क्या हो जाएगी, 180 का मतलब जब वर्क डन आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, तो यहाँ पर क्या आएगा, 180, और cos 180 क्या होता है, माइनस, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक हो गया यहाँ तक, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव है, ठीक, तो कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स कभी भी वर्क डन करेगी वो नेगेटिव है, तो इसलिए आपने देखा होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, मैं ना cos 180 लगाता नहीं हूँ, जब मुझे पता होता है कि रेजिस्टिंग फोर्स है तो मैं ऑटोमेटिकली आगे वैसे ही माइनस लगा देता हूँ, नहीं तो मुझे बार बार ये स्टेप करना पड़ेगा ना 180 वाला, तो जब फ्रिक्शन देखता हूँ उठा के माइनस लगा देता हूँ, ठीक है यहाँ तक, तो ये स्टेप भी क्लियर है। अब पहला प्रॉब्लम वर्क डन पे, जैसे सपोज करो आपके पास ये एक आपके पास एक ब्लॉक है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लॉक का मास मान लो 5 kg है और इसके ऊपर मैंने 10 N की फोर्स लगाई, और सपोज करो ये एक रेजिस्टिंग फोर्स या फ्रिक्शन की फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है कितनी, 2 N, तो फ्रिक्शनल फोर्स 2 N है, ठीक है, तो अब इस केस में, और ये बॉडी 10 सेकंड तक ट्रेवल करती है फॉर 10 सेकंड, और ये बॉडी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज वर्क डन बाय नेट फोर्स, नेट फोर्स, जब मैं बोलूंगा नेट फोर्स तो नेट फोर्स क्या है, 10 में से 2 गया 8 इज ए नेट फोर्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट तो गिवन नहीं है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले एक्सेलेरेशन निकाल लो, एक्सेलेरेशन क्या है, नेट फोर्स अपॉन मास, तो कितनी आ गई, 8 / 5 m/s² इसकी एक्सेलेरेशन आ गई, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, 0 + 1/2 × acceleration 8/5 × time² ये लो डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो इतनी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ऐसा क्या, तो अब क्वेश्चन है बाय नेट फोर्स वर्क डन क्या होगा, तो जब क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो आप क्या करोगे, नेट फोर्स लोगे, ये रही आपकी नेट फोर्स, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिस्प्लेसमेंट से, ये पहला आंसर होगा। लेकिन अगर वो ये पूछ ले व्हाट इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स इसमें कितनी है, सिर्फ 10, और डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगी, आंसर एस वहां से पुट कर लेना। अगर वो ये पूछते हैं व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, 2 × s, लेकिन आगे क्या जाएगा, नेगेटिव, क्लियर है यहां तक, आगे नेगेटिव लगा देना, तो आइडिया समझ में आ रहा है, जिसका वर्क डन पूछा गया उसी की फोर्स लगा दो इनटू डिस्प्लेसमेंट आंसर, तो ये पहला स्टेप है वर्क डन में, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन के अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क डन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर करने वाला। अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, साथ में एनर्जी की बात भी कर लेते हैं, तो आपकी एनर्जी बेसिकली ऐसे डिवाइडेड है कि आपकी एनर्जी या तो पोटेंशियल है या काइनेटिक है।
ये मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी और नॉन मैकेनिकल डिवाइडेड है। मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल फर्दर दो पार्ट्स में और डिवाइडेड है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी स्प्रिंग एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी तो बिकॉज ऑफ मोशन, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, वो तो एक ही है, ठीक है। यहाँ तक तो इस स्टेप भी क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, तो इसकी डेरिवेशन भी हमने की हुई है। डेरिवेशन के अंदर या काइनेटिक एनर्जी की बात करें या एक और भी थ्योरम है जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोला जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, आप किसी की भी बात कर सकते हैं इसमें। तो अगर आप बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या करना है, सपोज एक बॉडी यू इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होती है और थोड़ी देर में इसकी वेलोसिटी भी हो जाती है, और डिस्प्लेसमेंट कवर कितनी हो जाती है इसमें, एस डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाती है। तो आपने कितना वर्क डन किया इसको वेलोसिटी देने के लिए, आप क्या करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही करेंगे, और जो फोर्स है वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है क्या, डी वी बाय डी टी इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप कैलकुलेट कर रहे हैं यू से लेके वी तक आपने कितना काम किया, राइट, ऐसे ही है इसमें। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें टाइम मुझे चाहिए नहीं है, मुझे टाइम नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसके अंदर यहाँ पर या ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करता हूँ टोटल की बजाय, मैं ऐसा करता हूँ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ इंटू क्या हो जाएगा, डी एस, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन में एफ को पुट करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एस, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इंटू डी वी बाई डी टी हो जाएगा इंटू डी एस, ठीक है। और डी एस बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी वी होती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू मास इंटू वी इंटू डी वी हो जाएगा। और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ दोनों साइड्स को, जीरो से लेके W और वेलोसिटी जीरो से लेके क्या हो गई V, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, M इंटू वी स्क्वायर बाय 2। तो ये जो वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में बाहर आएगा, इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है यहाँ तक। अब इसी में अगर सपोज करो हम ये बोलें कि आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं थी, वो यू थी, वो यू थी, यू से भी हो गई, सारा स्टेप विल रिमेन सेम, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, यू से वी आ जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2, दैट इज वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम यू स्क्वायर, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, तो डेरिवेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली ये कहती है कि वर्क डन बाय नेट फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय नेट फोर्स, जो भी जितनी भी फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, जो भी नेट फोर्स होगी, इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये कौन सी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अमाउंट ऑफ जो नेट वर्क, जो वर्क डन बाय नेट फोर्स होगी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, इसको कैसे अप्लाई करना है मैं भी करके दिखाऊंगा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम सारे एग्जांपल में। लेकिन इससे पहले मैं आगे चलूँ, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्क डन को लेके कि, एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, जो आप कल टेस्ट ले रहे हो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ओके सर, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दो टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे केस नंबर वन, आपको कैलकुलेट करने को आएगा कि आपको फोर्स देगा वो मान लो 10 न्यूटन, आपको डिस्प्लेसमेंट देगा वो 5 मीटर, आपको कहेगा वर्क डन निकालो, आप कहोगे 10 × 5 × cos of 0, आपका आंसर कितना आ गया, 50 जूल, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो क्या करेगा, आपको फोर्स देगा F इज इक्वल टू 4x,
अब प्रॉब्लम ये है, 4x का मतलब x की वैल्यू टाइम के साथ क्या, x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। यानी कि सेकेंड केस इज अ केस ऑफ अ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। और ये कौन सी फोर्स थी, कांस्टेंट फोर्स। तो अगर तो कांस्टेंट फोर्स है फिर तो सीधा मल्टीप्लाई करो आंसर, बात ही खत्म है। पर अगर फोर्स वेरिएबल है तो सोचो, फोर्स पहले कम है तो वर्कडन कम है, फोर्स ज़्यादा हो गई वर्कडन ज़्यादा, फोर्स और ज़्यादा वर्कडन और ज़्यादा। तो आपको वर्कडन जो निकालना है बाय इंटीग्रेशन ही निकालना है। वेरिएबल फोर्सेस में क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा कि मान लो 4x फोर्स है तो आपको x इक्वल टू 2 मीटर से लेके x इक्वल टू 6 मीटर तक वर्कडन निकालना है। तो आप सबसे पहले वर्कडन निकालोगे f इंटू dx, स्मॉल निकलेगा। फिर dw इज इक्वल टू f की जगह क्या पुट करेंगे, 4x इंटू dx ये पुट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वर्कडन की वैल्यू में इसे इंटीग्रेट करेंगे x dx को, और x की लिमिट आपको गिवन होगी कितने, 2 से लेके 6 तक। तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे 4 x² / 2 और लिमिट पुट करेंगे 6 और 2, आपके पास आंसर आएगा। क्या इस स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर फोर्स वेरिएबल है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। अब ये पहला क्वेश्चन कांस्टेंट फोर्स का, बात ही खत्म। वेरिएबल फोर्स में एक्स की लिमिट, बात ही खत्म। तीसरे टाइप का क्वेश्चन वेरिएबल फोर्स का, तीसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि सपोज करो आपके पास ये एक बॉडी है और बॉडी टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड से टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक का आपको वर्कडन निकालना है, और आपको एक्स की वैल्यू गिवन है t² + t, ठीक है, एक्स गिवन है। अब एक्स गिवन है तो एक काम करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन। और मास बॉडी का मान लो 10 kg है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन क्या आ गई, कॉन्स्टेंट, फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, मास इंटू एक्सेलरेशन से 10 × 2 कॉन्स्टेंट। भाई जब कॉन्स्टेंट आ गई फिर तो बात ही खत्म है, फिर इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है। पर अगर ये कॉन्स्टेंट ना आए, जैसे मैं यहाँ पर टी स्क्वायर की जगह क्या कर दूँ, टी क्यूब कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास सॉल्व करके देखो, यहाँ से सॉल्व करके वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3t² + 1। फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम क्या है, वर्क डन वेरिएबल फोर्स में, फॉर्मूला तो एक ही है, वेरिएबल फोर्स में इंटीग्रेशन में एफ डी एक्स होता है, सिंपल है। तो जब आप इसमें एफ की वैल्यू पुट करेंगे, मास, मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितनी है इसमें 60, तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। प्रॉब्लम क्या आएगी, इंटीग्रेशन में लिमिट गिवन है टाइम की, लेकिन इंटीग्रेशन चल किस में रही है, एक्स में। तो आप डी एक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, डी टी में। डी एक्स को क्योंकि टाइम की लिमिट गिवन है, इसलिए रूल क्या है डी टी में कन्वर्ट करने का, डी टी से मल्टीप्लाई डी टी से डिवाइड। तो जब आप ऐसा करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी, यानी कि 60 × t × v × dt। अब वी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता ही है रे, तो आप क्या करेंगे, वी की वैल्यू को यहां पर और पुट करेंगे 60t, वी की वैल्यू पुट करेंगे 3t² + 1 × dt, और फिर टाइम की लिमिट पुट करेंगे जो भी गिवन है, तो पूरा इंटीग्रेशन करके आंसर आएगा। ये स्टेप एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको अगर टाइम की लिमिट गिवन है। अगर तो डिस्टेंस की लिमिट गिवन है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पर अगर टाइम की लिमिट गिवन है फिर आपके सामने है। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका भी है जिससे कि इंटीग्रेशन अवॉइड हो सकती हैं, और वो आसान तरीका क्या है, वो आसान तरीका ये है कि सपोज करो सेम क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर पूछा, ठीक, मैंने क्वेश्चन पूछा था x की वैल्यू इज इक्वल टू t³ + t मान लो, और मैंने कहा था ये बॉडी 10 kg की बॉडी है और टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर आपको क्या करना है, वर्कडन निकालना है। तो आप सिंपली एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो। निकाल ली, आप सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। वर्क डन होता क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/2 × m × final माइनस 1/2 × m × initial एनर्जी। ये भी तो कर सकते हैं क्योंकि वर्क थ्योरम यही तो बताया हमें।
और ये आसान है, पता है क्यों? क्योंकि एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी इनिशियल क्या आ जाएगी, इसमें पुट कर दो 2, तो इसके अंदर 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 3 = 12 + 1 = 13। और ऐसी एट टाइम टी इज इक्वल टू कितना, 4 सेकेंड। अब क्या कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनल वेलोसिटी, तो बस यहाँ और यहाँ पुट करके 1 सेकेंड में आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से जब टाइम की लिमिट गिवन हो, तो देखो दो तरीके हैं आपके पास, आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप ऐसे यूज़ कर लें। और मुझे लगता है अगर टाइम की लिमिट गिवन है ना, तो ये वाला मेथड ज़्यादा फायदेमंद है, और अगर एक्स की लिमिट गिवन है फिर इंटीग्रेशन वाला मेथड ज़्यादा फायदेमंद है। अब ये भाई प्रैक्टिस है, तो जो मैंने जितने क्वेश्चंस किए, मेरे को ऐसा लगता है कि जिसमें टाइम की लिमिट गिवन होती है उसमें वेलोसिटीज निकालना ज़्यादा फायदेमंद है, और वर्क एनर्जी थ्योरम आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट टाइम टाइप की वर्क की प्रॉब्लम ऐसी आती है कि अगर आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आई कैप, जी कैप एंड की कैप, और आपको एस वेक्टर गिवन है, मान लो आई कैप प्लस जे कैप, और आपसे वर्क डन पूछे, तो प्लीज़ कुछ ना करें, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर कर दे, आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे तो आई को आई के साथ, जे को आंसर। इसका अगला पार्ट ऐसे आता है, आपको एफ वेक्टर देगा वो कोई ना कोई, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वो ये बोलेगा कि मान लो एक बॉडी को मैं 1, 2, 3 से कहाँ पे ले आया, 3, 2, 1 पे, तो ये आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट है और ये आपका फाइनल कोऑर्डिनेट है, तो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और फाइनल क्या बनेगा पोजीशन वेक्टर, 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस आई कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो आप इन दोनों को पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो एस वेक्टर आएगा, फिर आपके पास वर्क डन आएगा, एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर आंसर आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों क्वेश्चन में? तो आपको एस वेक्टर इसमें निकालना पड़ेगा पहले, राइट। अब अगर बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम की फिर से एक बार, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हमने क्या सीखा, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ही फेमस क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन या एक टाइप का बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, और एक तो मैंने करवा दिया अभी, चेंज वर्क डन कैसे निकलना है। एक प्लैंक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है प्लैंक वाला क्वेश्चन कैसे, आपके पास ये एक प्लैंक है, तो मान लो आपने वी वेलोसिटी से बॉडी को एंटर करवाया और बॉडी बाहर आती है, ये बुलेट बाहर आती है और बाहर आती है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी बाय 9। ठीक है, कुछ गिवन होगा, वी से एंटर करती है, वी बाय 9 से बाहर आ जाती है, तो प्लैंक की जो लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर कुछ भी गिवन होगी, तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि बताओ मैं कितनी वेलोसिटी से इसको एंटर करवाऊँ ताकि ये बाहर ना आए, सेम 10 सेंटीमीटर में ये रेस्ट पे आ जाए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो केस क्या बनेगा, जब ये प्लैंक के अंदर एंटर कर रही होगी तो प्लैंक इसके ऊपर रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, रोकने की फोर्स लगाएगा, तो रोकने की फोर्स तो रेजिस्टिंग फोर्स है, और रेजिस्टिंग फोर्स क्या करेगी, वर्क डन करेगी। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हम ऐसा बोल सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अंदर क्या लगेगी, फ्रिक्शन, इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 में वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, माइनस में आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, माइनस एफ, मान लो एफ अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसमें, 10 मीटर कर लेना, इसे 10 × मीटर कर लेना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 × m × v/9 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 × m × v का स्क्वायर, दैट इज फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
दूसरे केस में क्या लगेगा, अगेन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वी डैश। अब इन्हें डिवाइड कर लें, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। पर इक्वेशन कैसे बन रही है समझ में आ रही है? कई बार ये क्वेश्चन चेंज होकर आ जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे चेंज होकर आएगा सेम क्वेश्चन, कि मान लो आपके पास फिर से एक प्लैंक है, ठीक है, इस प्लैंक की जो लेंथ है वो मान लो एक्स है, एक्स है, तो अगर मान लो मैं वी वेलोसिटी से इसे एंटर करवाऊं और यहां से ये जो बाहर आए विद वेलोसिटी ऑफ वी बाय नाइन, तो बताओ ऐसे कितने प्लैंक्स रखूं, ऐसे मैं कितने प्लैंक्स रखूं ताकि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। इसको रोकना है मुझे, तो मान लो एन प्लैंक्स रखेंगे, तो एन प्लैंक्स का मतलब टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, एन इंटू एक्स। इक्वेशन फिर वही रहेगी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन पहले केस में इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस एफ इंटू एन इंटू एक्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिर से इन्हें डिवाइड कर लें, एन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने, कि आपने ऐसे क्वेश्चंस किए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, प्लैंक्स वाले क्वेश्चन या इस क्वेश्चन के बाद हमने स्टार्ट की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये तो काइनेटिक की बात है, काइनेटिक तो कहीं भी लगती है, जहां वी वेलोसिटी है वहां काइनेटिक की बात ही खत्म हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल में हमने ज़्यादातर काम किस पे किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर सबसे पहले हमने इसका एक्सप्रेशन निकाला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, एम जी एच। तो सबको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच होता है। ठीक है, ऐसे किया, फिर हमने दो फोर्सेस को स्टडी किया, एक फोर्स जिसका नाम क्या है, कंजर्वेटिव, और एक फोर्स जिसका नाम क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, दो चीज़ों से पता लगता है कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, बस दो ही मेन प्रॉपर्टीज हैं जो याद रखनी है। सारी कहानी दो लाइनों में खत्म है। पहली, अगर मैं किसी भी पॉइंट से एक बॉडी को मूव करवाऊं और मान लो बी पे लेके जाऊं और फिर मैं उठा के बी ए से बी पे लेके जाऊं और जो मेरा वर्क डन है वो किसी भी रास्ते से ले जाऊं, जाना ए से बी है, तो अगर मेरा वर्क डन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है, तो ऐसे केस में ये फोर्स क्या कहलाएगी, कंजर्वेटिव। तो आप ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट को ले जाएं, किसी भी रास्ते से ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता लंबा छोटा टेढ़ा मेढ़ा, आपका वर्क डन अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो वो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। लेकिन जैसे एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट को उठा के आप सीधा ले जाएं एच, आप घुमा के ले जाएं एच, वर्टिकल हाइट अगर अगेंस्ट ग्रेविटी एच है, तो आपका वर्क डन एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी की फोर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर आप एक बॉक्स को घसीट के लेके जा रहे हैं ए से बी तक, आप लंबे रास्ते से लेके जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन उतना ही अपोज करेगा, आपको वर्क डन उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी जितनी उसकी लेंथ है। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो आपकी एक्चुअल लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कि पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका वर्क डन इनिशियल और फाइनल के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करता है, तो वो फोर्स क्या कहलाएगी, नॉन कंजर्वेटिव। तो हमारे आज के लेक्चर में हम तीन फोर्सेस को स्टडी करने वाले हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव, और फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव। बस,
ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की, कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कंजर्वेटिव में ए से उठा के लेके जाएं बी पे और बी से वापस लेके आएं ए पे, तो आपका नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव में आने और जाने का, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर वापस आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। इनिशियल फाइनल सेम हो गई, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? जीरो। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में ये जीरो नहीं होगा। क्लियर है? तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स में आने और जाने का राउंड ट्रिप का जो अमाउंट ऑफ वर्क डन नेट होगा वो जीरो ही होगा। ये दो प्रॉपर्टीज से साफ पता लगता है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं आपको और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ और डिटेल में कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में क्या और चीज़ें हमने स्टडी की थी। इसको एक बार रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन आएगा क्या ये भी बताता हूँ, हो सकता है कल के टेस्ट में भी आए क्वेश्चन, आप पकड़ पाएं तो पकड़ लेना, ठीक है? बहुत ही माइन्यूट, बहुत बारीक क्वेश्चन आएगा, मैं बताता हूँ क्या आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट को समझें, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वो कैसे फंसा सकते हैं आपको। जब हम एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के यहां से उठा के यहां पे लेके आते हैं एट अ हाइट ऑफ h, तो इसको कौन उठा के लेके आ रहा है? मैं उठा के लेके आ रहा हूं। फिजिक्स में मेरे को, जब मैं काम करता हूं, मैं एक एक्सटर्नल हूं, तो हम क्या बोलते हैं? वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल का मतलब आप एक्सटर्नल हैं, आपने उठा के ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए, राइट? तो जब आप इसे ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपने फोर्स कहाँ लगाई होगी? ऊपर, भाई ऊपर लेके जा रहे हैं तो ऊपर। कितनी लगाई होगी? एम जी, एम जी फोर्स लगाई होगी। और डिस्प्लेसमेंट भी आपकी कहाँ है? ऊपर। तो आपने एक्सटर्नल ने वर्क डन कितना किया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, एंगल इनके बीच में कितना? जीरो। तो आपने कितना काम किया? एम जी एच, राइट? ठीक है यहां तक। अब दूसरा केस, के दूसरा केस, दूसरा केस है, फिर से एक ऑब्जेक्ट है, फिर से एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट ऊपर लेके जाना है, लेकिन इस बार जो फोर्स है मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लूंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ लगती है? नीचे। तो ग्रेविटी कहती है यार मैंने तो फोर्स नीचे लगाई थी, और तुम ऑब्जेक्ट को, मुझे नहीं पता कैसे, मैं देख रही हूँ ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहे हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट बाय मी, मेरी फोर्स तो ऊपर ही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स वो कहती है मैं तो नीचे एक्ट कर रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर करवा रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? 180। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ऊपर लेके जाने का वर्क डन क्या होगा? माइनस एम जी एच। तो एक रूल तो पक्का है, एक्सटर्नल वर्क डन, जो एक्सटर्नल वर्क डन करेगा हम वर्क डन करेंगे, और जो ग्रेविटेशनल का वर्क डन होगा उसमें माइनस का फर्क होगा। वो भी सही है ना, माइनस का फर्क होगा, वो करती है तो माइनस, हम करते हैं तो पॉजिटिव। तो एक बहुत सिंपल रूल है, एक्सटर्नल वर्क डन एंड ग्रेविटी का वर्क डन, जो भी अगर ये काम करेगी या मैं काम करूंगा उसमें माइनस का फर्क आएगा ही आएगा। तो क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक, ये तो है आपका पहला रूल, ठीक है? अब नेक्स्ट समझो, अगर सपोज करो, चलो ग्रेविटी काम करती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है और मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए एच, तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? तो आप क्या बोलेंगे? माइनस एम जी एच। लेकिन जब आप इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आ रहे हैं, वेट तो ग्रेविटी की नीचे ही एक्ट करेगा, तो नीचे आने का वर्क डन क्या होगा? एम जी नीचे है, एच भी नीचे है, एंगल जीरो, पॉजिटिव। तो ग्रेविटेशनल के केस में ऊपर का वर्क डन नेगेटिव, नीचे का वर्क डन पॉजिटिव, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा? जीरो। इसलिए ये फोर्स क्या कहलाएगी? कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि राउंड ट्रिप का वर्क डन क्या आ गया? जीरो। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट एक बार रिपीट करना। मैंने कहा कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा हूं तो मैं फोर्स तो ऊपर लगाऊंगा एम जी, तो मेरी फोर्स तो ऊपर है और हाइट भी ऊपर है, तो एंगल उनके पीछे जीरो, तो मेरा वर्क डन तो पॉजिटिव है। पर ग्रेविटेशनल का वर्क डन क्या होगा? वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स तो हमेशा ही नीचे है और डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है तो एंगल 180 हो जाएगा, जिस वजह से ग्रेविटेशनल का वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन जो आपका, आपका वर्क डन है एक्सटर्नल का और ग्रेविटेशनल का, उसमें माइनस का फर्क आएगा। उधर प्लस टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो यही करते हैं,
एक्सटर्नल वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन में माइनस का फर्क आता होता है यार को इलेक्ट्रोस्टैट्स में, सेम है, सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओके भी कंजर्वेटिव, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है प्लस टू वाला। तो ये पॉइंट क्लियर है। ओके तो राउंड ट्रिप में इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी याद करो वर्क डन जीरो आता था क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, तो जितनी भी कंजर्वेटिव है राउंड ट्रिप में आंसर जीरो ही आना है। ठीक है यहाँ तक? तो क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करो आप एक ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले गए, ठीक है, मान लो इसकी एनर्जी यहाँ पर पोटेंशियल यू ए है, चाहे जीरो है कुछ भी यू है, और इसकी एनर्जी क्या है यू बी है, यू ए से यू बी है, राइट? तो बताओ आपने एक्सटर्नल ने कितना वर्क डन किया, तो आप बोलोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, थियरी यही होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। पर अगर मैं ये बोलूं कि ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, अब ग्रेविटी का वर्क डन एक्सटर्नल के हमेशा क्या होता है नेगेटिव, दोनों में किसका फर्क है नेगेटिव का, तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या माना जाएगा यहां पर, माइनस यू बी माइनस यू ए, पुट कर दूं ऊपर से उठा के ऐसे एज इट इज, तो आंसर क्या आएगा यू ए माइनस यू बी। तो आप टेस्ट में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन नहीं है मिलता जुलता है लेकिन इनडायरेक्ट बताया मैंने आपको, कि अगर आपसे ये पूछा उसमें कि एक्सटर्नल ने कितना वर्क डन किया, फिर तो फाइनल में से इनिशियल, और अगर ग्रेविटी ने कितना काम किया तो फिर इनिशियल माइनस उल्टा बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्सटर्नल में और ग्रेविटेशनल यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स में नेगेटिव का फर्क है, कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन बुक में मिलेंगे आपको। ठीक है, अच्छा ये बताओ कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, ग्रेविटी की, ग्रेविटी की फोर्स कहाँ है नीचे, तो ग्रेविटी की फोर्स तो नीचे ही है ना, तो अगर आप अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जाते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, अगर आप अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जाते हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है, बढ़ती है, बढ़ती है ऊपर जाने में बढ़ती है, और वैसे भी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाओगे एनर्जी आपकी हमेशा बढ़ेगी, बढ़ेगी, कम कैसे होगी, नेचर कहती है नीचे आए ऑब्जेक्ट और आप ऊपर लेके जा रहे हो अगेंस्ट जा रहे हो तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे सपोज ये हमने कर लिया सारा, इसमें कुछ करना नहीं है शीट्स में, तो मैंने जो भी आपको करवाया यही करवाया, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ये सारा इस शीट में से सारा कुछ मैंने करवाया है इसमें। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन अगर आ जाए टू प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो आप इसमें ये प्रूव करेंगे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैं सीधा ऊपर ले गया फर्स्ट केस, तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा एम जी एच, और अगर मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ ले गया तो यहाँ का वर्क डन है एम जी इंटू ए सी, यहाँ वर्क डन जीरो क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स तो वर्टिकल है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो पुली वाला केस हो गया हॉरिजॉन्टल का वर्क डन जीरो और इसका एम जी इंटू ई डी इसका जीरो, तो ऐड करोगे तो एम जी एच ही आएगा। दूसरा केस है, और आप अगर इंक्लाइंड प्लेन पे ले गए तो इंक्लाइंड प्लेन पे फोर्स क्या लगाओगे एम जी साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी एच, तो वर्क डन क्या होगा एम जी साइन थीटा इंटू एस, और साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा एच बाई एस, तो एस से एस कैंसिल, आंसर क्या आएगा एम जी एच। तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, इस केस में अमाउंट ऑफ वर्क डन फिर से एम जी एच। ठीक है, और ये भी लिख देना केस नंबर फोर कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को अंडर अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर फेंकते हैं और बॉडी वापस हाथ में नीचे आती है तो राउंड ट्रिप का वर्क डन क्या है जीरो। तो ये सारी चीज़ें ये प्रूव करती हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये प्रूव करने को आता है अगर सी बी एस ई में आएगा कंजर्वेटिव है, कॉम्पिटिशन में तो खैर नहीं आएगा, मैंने बता दिया इसमें क्या, नॉन कंजर्वेटिव के अंदर क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा सकता हूँ क्यों नहीं होता। जैसे सपोज करो फ्रिक्शनल की फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, आप ये इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट को आप सपोज यहाँ से राइट लेके जा रहे हैं, तो आपने एस राइट ले गए तो फ्रिक्शनल की फोर्स कहाँ एक्ट करेगी पीछे, तो आपने वर्क डन कितना किया माइनस एफ इन टू एस, आपकी बॉडी कहाँ जा रही है आगे।
अब इमेजिन करो आपकी बॉडी जा रही है पीछे, जब इधर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इधर, लेकिन फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन कर ली चेंज, फिर से एंगल 180। तो ऐसे केस में भी वर्क डन क्या आएगा, माइनस एफ इन टू एस। जब ऐड करोगे आने और जाने का तो आंसर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि माइनस टू एफ एस आ जाएगा, तो आंसर जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, आने और जाने का वर्क डन जीरो नहीं हुआ। ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी माना जाता है, कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस में, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर जो फोर्स है और जो पोटेंशियल एनर्जी है उनमें ये रिलेशन वैलिड है, माइनस डी यू बाई टी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसका प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया था। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे वो स्प्रिंग की फोर्स है, चाहे ग्रेविटेशन की फोर्स है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसमें ये वैलिड रहेगा। तो इसको यूज़ करने का तरीका बताया था कि अगर मान लो एनर्जी आपको गिवन है 2x और आपसे पूछ ली जाती है फोर्स, तो आप क्या करेंगे, माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो फोर्स की वैल्यू क्या जाएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, 2x। तो आंसर क्या जाएगा सॉल्व करके, 2। बात खत्म, फोर्स आ गई। और अगर उसी तरीके से यू गिवन है 2y, तो फोर्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस डी बाई डी वाई ऑफ 2y। अब सारा कुछ जो डिफ्रेंसिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या चलेगा, वाई। और अगर ये किस में गिवन हो, जेड, तो फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, माइनस डी यू बाई डी जेड। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अगर ऐसा हो कि आपकी एनर्जी गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आपसे फोर्स एज अ वेक्टर पूछे, तो मैंने बताया था माइनस पार्शियल डिफ्रेंसिएशन यूज की जाती है इसमें, आई कैप डी यू बाई डी वाई जे कैप डी यू बाई डी जेड के कैप। तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन इसमें यूज की जाएगी। ठीक है, तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन में क्या करते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस डी बाई डी वाई ऑफ यू की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस डी बाई डी जेड की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ पर के कैप। पार्शियल डिफ्रेंसिएशन में ये सिखाया था कि जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी 2x, लेकिन क्योंकि डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो y और z क्या माने जाते हैं, कॉन्स्टेंट, तो इनकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो पीछे सिर्फ i कैप। फिर जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉन्स्टेंट मानेगा ये इसे और इसे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2y। फिर इसे और इसे कॉन्स्टेंट मानेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 2z आंसर। तो ये फोर्स फैक्टर आएगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, एफ फैक्टर। तो ये भी क्लियर है एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होना है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है इसके ऊपर, जो हमने दो क्वेश्चंस किए थे जो आते हैं पेपर में, बहुत आते हैं, ए डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 12 और बी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 6, याद है? और वो कह रहा है एक टर्म है कैपिटल डी, और कैपिटल डी को कैलकुलेट करो जब एक्स की वैल्यू क्या है, जब एनर्जी की वैल्यू क्या है, यू एट इन्फिनिटी, यू एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस यू एट इक्विलिब्रियम, ये कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो मैंने क्या करवाया था कि अगर एक्स इन्फिनिटी है तो यहाँ से यू एट इन्फिनिटी क्या जाएगा, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी तो जीरो, तो आपका आधा आंसर तो यहीं से आ गया जीरो। अब आपको क्या निकालना है, यू एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या सिखाया था, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब फोर्स होती क्या है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स चल रहा है, और इसको उठा के क्या पुट कर दे रहे हैं, जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो, तो डी यू बाई डी एक्स भी जीरो। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू की जगह ए डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू 12, बी डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू 6 इक्वल टू क्या, जीरो, राइट। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 12 माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 6 इक्वल टू जीरो। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए माइनस 12 एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 13, बी माइनस 6 एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 7 इक्वल टू जीरो। सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करके क्या आया था, एक्स की वैल्यू 6 क्या आई थी, बी अपॉन 2a, कुछ ऐसा था, बी डिवाइडेड बाई 2a। तो इसे सॉल्व करोगे ऐसा कुछ आंसर आएगा।
तो ये वो एक्स की वैल्यू है जब इक्विलिब्रियम आ जाती है। तो आप एक काम करो, यू इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, यू इक्विलिब्रियम निकालने के लिए एक्स की पावर 6 की वैल्यू पता है, इसको लिखें एक्स की पावर 6 का स्क्वायर, और इसको तो ऐसे लिखें। तो जहाँ जहाँ एक्स की पावर 6 दिख रही है वहाँ बी डिवाइडेड बाई 2 ए पुट कर दें, यहाँ पर भी बी डिवाइडेड बाई 2 ए। तो यहाँ से सॉल्व करके यू इक्विलिब्रियम आ गया, उसको यहाँ पुट करें और आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, तो फोर्स होती क्या है, माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से सॉल्व करके वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जब इक्विलिब्रियम है, तो उस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके यू एट इक्विलिब्रियम आ गया, उसे पुट करके आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? टू कितने आ रही है? ओके, टू ए अपॉन बी। ओके प्लीज चेंज कर लेना, मैंने ऐसे जस्ट पुट कर दी, तो यहाँ पर चेंज कर लेना, टू ए अपॉन बी कर लेना यहाँ पे, राइट? जो भी आ रहा है आप यहाँ पुट कर लेना। ये लो, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या करना है इसमें? ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ना एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्लियर है, किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी होती है ना, वो होती है आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, और सॉरी इनपुट एनर्जी इनटू 100। कोई भी मोटर या मशीन हमसे बिजली की फॉर्म में एनर्जी लेती है, और उसका वो क्या करके देती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन करके देती है। जैसे कोई मशीन है, उस मशीन की एफिशिएंसी 90% है, ठीक है, वो मशीन क्या करती है, वो मशीन किसी मान लो एक बॉल को ऊपर फेंकती है, ठीक है, तो बॉल को ऊपर फेंकती है तो कोई एनर्जी देगी तभी ऊपर जाएगी बॉल। तो प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमसे एनर्जी लेती है उसका 90% से ही वो ऊपर फेंकती है। अब वो बॉल ऊपर जाती है और मान लो ग्राउंड पे हिट करती है, आपको बताना है ग्राउंड पे कितनी काइनेटिक एनर्जी से वो हिट करेगी, ये क्वेश्चन है। तो मशीन ने बॉल को ऊपर फेंका, आपके हाथ में कैच करना है, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से वो आप कैच करोगे। तो पहले ऊपर कितनी एनर्जी से फेंका देखें, और मशीन की जो एनर्जी है वो 5000 जूल है जो वो हमसे लेती है। मशीन की एनर्जी का मतलब मशीन एनर्जी जो लेती है वो इनपुट एनर्जी ही होती है, मशीन आउटपुट एनर्जी देती नहीं है, मशीन एनर्जी देती नहीं है, मशीन वर्क डन करती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर 90% पुट करके आपने क्या निकालना है, आउटपुट वर्क डन। तो यहाँ से सॉल्व करके आप आउटपुट वर्क डन निकालेंगे, मान लो वो कितना आ गया, 4500 जूल आ गया। तो मशीन 4500 की एनर्जी देती है, मान लो ये मशीन है 4500 की एनर्जी की बॉल को ऊपर फेंकेगी, 4500 जूल से वो बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर 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 जाएगी। और ये उसने मशीन ने ये एनर्जी किस फॉर्म में दी थी, काइनेटिक। हाइट अटेन करते करते वो काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल। तो यानी कि जब ये बॉल चली तो फोर्टी मशीन ने इसको इतनी एनर्जी दी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल। दी किस में थी, काइनेटिक, हवा में एनर्जी लॉस तो है नहीं। तो जब ये वापस हाथ में आएगी तो ठीक इतनी एनर्जी से ही आपको हिट करेगी, तो आंसर इज 4500 जूल। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोचना है इसमें? ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, बोलो। तो आप ये लास्ट पार्ट समझा देंगे जो आपने कहा हाँ, था मैंने अभी? कहा एक मशीन ने, मशीन या मशीन है, उसने हमसे तो लिया 5000 जूल, लेकिन बाहर बॉल को कितनी दी उसने, 90% के हिसाब से 4500 जूल काइनेटिक दी। बॉल ऊपर जा रही है, वो काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल। फिर वापस जब नीचे आएगी तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बॉल की एनर्जी, काइनेटिक। तो आपके हाथ में वापस 4500 जूल की एनर्जी से बॉल हिट करेगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक, जैसे सपोज आपके पास एक टैंक है, एक टैंक है, ये 40 मीटर ऊपर है
और एक पंप लगा हुआ है यहाँ पे, पंप जो पंप है इसकी एफिशिएंसी है 40%, ठीक। तो और इसमें जो वॉल्यूम है टैंक का वो है 30 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब, और 15 मिनट में ये टैंक फिल हो जाता है। आपको बताना है कि पंप को मैंने क्या दी, इलेक्ट्रिक पावर दी। तो मेरे को ये बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या दी मैंने, इलेक्ट्रिक पावर इनपुट पावर है या आउटपुट पावर है। पंप आपसे, हाँ इनपुट है, क्योंकि आपसे इनपुट भी इलेक्ट्रिक तो इनपुट लेगा, आउटपुट में पंप क्या करेगा, वर्क डन, और वर्क डन क्या करेगा, एम जी एच। तो आउटपुट वर्क डन करेगा एम जी एच, आउटपुट पावर कितनी देगा, आउटपुट पावर एम जी एच को किससे डिवाइड कर दें, टाइम से, एम जी एच अपॉन टाइम आउटपुट पावर है। आपको निकालना है इनपुट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर पावर की फॉर्म में लिखना है तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। अब एफिशिएंसी कितनी है, 40 है, आउटपुट पावर क्या है इसमें, एम जी एच अपॉन टाइम है, इनपुट पावर मुझे इस क्वेश्चन में निकालनी है इनटू 100। तो आपको क्या निकालना है, इनपुट पावर निकालनी है, मास आपको गिवन नहीं है। अब मास होता क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम आपको गिवन है, और डेंसिटी बाय डिफॉल्ट वाटर की क्या होती है, 1000। पुट करके आंसर आ जाएगा इनपुट पावर। तो समझ में आ रहा है एफिशिएंसी की दो प्रॉब्लम करवाई मैंने आपको, कि कैसे कैसे एफिशिएंसी की प्रॉब्लम आएंगी। यस ठीक है, नेक्स्ट टाइप की टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा आती भी हैं। वो है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी स्क्वायर बाई 2m। अगर मैं काइनेटिक की बात करूँ, ओ सॉरी, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ इन टू एम वी स्क्वायर। इसको हम ना मॉडिफाई किया करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर को मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m, और m इंटू वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात हो तो ऐसे करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है यहाँ तक, यस सर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें ऐसा आएगा कि सपोज करो आपके पास मोमेंटम पहले पी था, मोमेंटम 20% बढ़ गया, तो नया मोमेंटम क्या हो गया, पी में 20% ऑफ मोमेंटम बढ़ गया, तो कितना हो गया, 120 बाई 100 इंटू पी हो गया। तो पी डैश की वैल्यू क्या होगी, 1.2 पी होगी। तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, ये बताओ। तो नई काइनेटिक, यानी कि मुझे क्या निकालना है, नई काइनेटिक, पुरानी काइनेटिक, पुरानी काइनेटिक इनटू 100, ये निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले है कितनी, पी स्क्वायर बाय 2m। अब नई एनर्जी क्या बन जाएगी, नई एनर्जी पी डैश स्क्वायर बाय 2m। तो पी डैश की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास, 1.2 पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो आप यहाँ पुट कर लेना, ई डैश की जगह 1.2 पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ई की जगह पी स्क्वायर बाय 2m, इसकी जगह पी स्क्वायर बाय 2m इंटू 100, सॉल्व कर लेना, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, सही। नो सर, यस सर। ठीक है ना। इसी में ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपका मोमेंटम पी है, आपका मोमेंटम 300%, 300% हो गया, अब 300% बढ़ गया रादर, 300% क्या होता है, 300% है जो पी तो था ही था, 300% ऑफ पी और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 4p हो गया, पी की जगह 4p हो गया। तो एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आया, तो पी स्क्वायर बाय 2m पुरानी एनर्जी है, नई एनर्जी क्या हो जाएगी, 4p² / 2m। तो निकालते रहना, ई डैश माइनस ई डिवाइडेड बाई ई इंटू 100 आंसर। समझ में आ रहा है कैसे करना है इस टाइप की प्रॉब्लम।
ठीक है। यस जैसे नेक्स्ट है, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पी स्क्वायर बाय 2m, तो पी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब वो कहेगा जो एनर्जी है वो फोर टाइम्स हो गई, तो बताओ मोमेंटम का परसेंटेज चेंज कितना हो गया, तो ये आपको निकालना है। तो पहले जो पी की वैल्यू है वो कितनी है, इतनी है, पहले नई पी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू एनर्जी की जगह 4e। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू 4e माइनस अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई इंटू 100। निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, कॉमन निकाल के आंसर सब कट जाएगा, एम जो एम ई का अंडर रूट तो कट ही जाएगा हर जगह आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि अगर परसेंटेज इन एनर्जी गिवन है तो क्या करना है, परसेंटेज मोमेंटम में गिवन है तो क्या करना है। यस सर, ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे सपोज करो आपको एक पेंडुलम गिवन है, एक पेंडुलम यहाँ से यहाँ आया, ये पेंडुलम मान लो यहाँ से यहाँ आया, इसकी लेंथ है 1 मीटर। आपको क्वेश्चन ऑब्वियसली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर एम जी एच, एम जी इंटू 1, और काइनेटिक यहाँ पर क्या होगी, जीरो। यहाँ से रिलीज किया, आपको बताना है कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है। भाई जब पेंडुलम मूव करता है, पेंडुलम के अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है और दूसरे की निकालनी है तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहाँ पर पोटेंशियल बॉटम पे क्या हो जाएगी, जीरो, और काइनेटिक क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इन इक्वेट कर लेना, आंसर वी आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ये गिवन होगा कि रास्ते में हवा के रेजिस्टेंस ने 5% एनर्जी को क्या कर दिया, लॉस। तो टोटल एनर्जी जब चली थी तो थी कितनी, इतनी थी, इसका 5% क्या हो गया, लॉस। तो ये लोग 5% इसका लॉस कर दिया, तो बची जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो कर लेना, इसका 5% गायब कर देना, माइनस कर देना, जो बची काइनेटिक में कन्वर्ट कर देना, वी निकाल लेना। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक लगेगा इसमें, ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर वी तो स्टैंडर्ड रहेगा ना, अंडर रूट 2 GH हाँ लोएस्ट वो फॉर्म। याद करना है, कर लो, अदरवाइज मतलब क्या बोलूँ मैं तो एनर्जी कंजर्वेशन के साथ ही काम करता हूँ। ठीक है, अब जैसे एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लास्ट लेक्चर में बहुत की थी, अगर एक बुलेट आ रहा है विद द मोमेंटम ऑफ v1 और एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ब्लॉक किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। ठीक है, एक बुलेट है और एक ब्लॉक रेस्ट पे है जिसका मास क्या है, m2। तो हुआ क्या, बुलेट ब्लॉक में रेस्ट पे आ गया और फिर दोनों इकट्ठे चल पड़े, तो m1 प्लस m2 इकट्ठे चल पड़े विद अ कॉमन वेलोसिटी vc। फाइंड कॉमन वेलोसिटी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बुलेट ने जो है ब्लॉक को हिट किया फिर इकट्ठे चल पड़े, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें लगता है, ये कोलिजन का कैटेगरी है, कोलिजन की कैटेगरी है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। कैसे, कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या है, m1 v1, और इसका मोमेंटम क्या है, जीरो। कोलिजन के बाद m1 प्लस m2 का मोमेंटम क्या है, ये रहा। तो आपके पास नेट नया नई वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट क्लियर है, वीसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, यस सर, ठीक। तो इसके अंदर जैसे एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, टिपिकल प्रॉब्लम है, कि जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम का मास 1 kg है, और सपोज एक बुलेट आ रही है और 0.5 kg की, और मान लो विद वेलोसिटी ऑफ 1 m/s, ये इसके अंदर रेस्ट पे आ जाती है और फिर इकट्ठे चल पड़ते हैं, और इसकी लेंथ 1 m है। तो आपको ये बताना है कि हाइट अटेन क्या करेंगे ये ग्राउंड से, तो मतलब ये यहाँ पे आके रुकते हैं, तो आपको बताना है कि हाइट की वैल्यू इसमें क्या होगी, एच इज़ टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी इसमें टक्कर करवानी पड़ेगी और फिर कॉमन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, टक्कर से पहले बुलेट का ये मोमेंटम है और बॉब का ये मोमेंटम है, टक्कर के बाद 1 + 0.5 * कॉमन वेलोसिटी, तो कॉमन वेलोसिटी क्या आएगी, 0.5 / 1, तो कॉमन वेलोसिटी आ गई। अब सोचें ये जो बॉब है ये 1 kg का नहीं है, ये 1.5 kg का है, क्योंकि मासेस मिल गए, बुलेट इसके अंदर आ चुकी है,
और ये स्टार्ट होती है यहाँ से विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, 0.5 अपॉन 1.5 की कॉमन वेलोसिटी से चलती है। तो यहाँ बिल्कुल बॉटम मोस्ट पे वेलोसिटी आ गई, आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। तो पेंडुलम में एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है, दूसरे की निकालनी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, एंड यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगी, एम जी एच, और काइनेटिक एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ज़ीरो, काइनेटिक होगी हाफ एम वी। तो आपको वी पता है, एम पता है, यहाँ से हाइट निकाल लेना। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है इसमें? यस सर। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा, एक ना रोलर कोस्टर है, ये रहा एक रोलर कोस्टर है, एक रोलर कोस्टर पे गाड़ी मूव कर रही है, और रोलर कोस्टर पे मान लो गाड़ी मूव कर रही है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो है 5 मीटर, फिर यहाँ की हाइट है 10 मीटर, फिर वो यहाँ की हाइट देगा मान लो 2 मीटर कुछ भी, ठीक है। तो जब ये 2 मीटर पे थी तो आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है क्या है, क्योंकि रोलर कोस्टर ग्रेविटी के उस फ्रिक्शन है नहीं, तो ग्रेविटी के ऊपर नीचे जा रहा है, तो एनर्जी कंजर्व रहती है, इट्स अ कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव सिस्टम, एनर्जी कंजर्व रहती है। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल रिमेंस सेम। तो जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हो तो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, तो सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक सेम। तो आपको एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है, आपको दूसरे की निकालनी है, तो अगेन सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर, और एक ये पॉइंट है सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, एम जी इंटू 5, और काइनेटिक क्या होगी, हाफ इंटू एम इंटू 2 का स्क्वायर। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी, एम जी इंटू 2, और काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, वी निकाल लेना आंसर। तो कोई भी ऐसा रोलर कोस्टर टाइप क्वेश्चन गिवन हो, ऊपर नीचे जाने वाला, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, पोटेंशियल काइनेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस सर। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी चेन्स की, चेन की प्रॉब्लम की थी। चेन की प्रॉब्लम में क्या किया था, चेन की प्रॉब्लम में ये किया था कि अगर आपके पास कोई भी एक चेन पड़ी हुई है टेबल पे, और चेन की दो प्रॉब्लम की थी रादर, एक चेन, ये चेन यहाँ पड़ी हुई है ऐसे लटक रही है, कितना पोर्शन लटक रहा है, मान लो L/6 पोर्शन लटक रहा है इसका, टोटल मास चेन का M है और लेंथ L है, आपको इस चेन को उठा के ऊपर रखना है, तो आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है क्या होगा। तो चेन का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चेन का मास हर जगह है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ऐसे केस में हम क्या लेते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो सारा मास कहाँ एज्यूम किया जाता है, ऑन सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे इस चेन L/6 का मास है कितना, M/6, तो ये M/6 मास यहाँ पर पड़ा होगा, तो इसको उठा के रेड कलर को उठा के यहाँ से यहाँ लिखना है, तो ये हाइट क्या है, L/12, तो M/6 इंटू जी इंटू L/12 इज द आंसर, MgH। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, MgH कैसे करना है, मास पूरी चेन का लेना है M/6, लेकिन वो एज्यूम कहाँ करना है, कहाँ पड़ा हुआ है, इसके सेंटर पे, सेंटर से इस मास को ऊपर उठाएंगे तो हाइट क्या आएगी, L/6 का था, L/12 MgH। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? नो सर। तो यहाँ तक क्लियर है? कई बार क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है चेन का, ये चेन है, ये लो, इस चेन की लीनियर मास डेंसिटी गिवन है लैम्डा,
लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन लेंथ। तो इस क्वेश्चन में मान लो इसकी जो लेंथ है वो एल है, आपको चेन को उठा के ऊपर रखना है। तो एक बात बताओ, अगर इसकी लेंथ एल है तो इस हवा में लटकती हुई चेन का मास क्या है? मास लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लैम्डा का मतलब मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो लैम्डा इंटू एल। वो कहाँ पर पड़ा होगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो एक्चुअल में इस मास को कितनी हाइट पे उठा के रखना है? एल बाई टू। तो क्या होगा वर्क डन? मास, मास क्या है? लैम्डा इंटू एल। जी हाइट क्या है? एल बाई टू। आंसर क्लियर है यहाँ तक? तो ये दो क्वेश्चन हमने किए थे चेन के। एक और क्वेश्चन किया था चेन के, वो भी देख लेते हैं। चेन का एक क्वेश्चन ये किया था कि सपोज ये टेबल है और ये चेन है, ये लटक रही है, और इसकी जो लेंथ है चेन की वो मान लो 2L/3 है, और यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है म्यू। चेन नीचे गिर रही है, तो नीचे गिर रही है तो फ्रिक्शन इस टेबल पे पड़ी हुई चेन के ऊपर क्या करेगा? वर्क डन करेगा। तो आपको बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन जब ये चेन नीचे गिरेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर चेन जब तक 2L/3 टेबल पे पड़ी हुई है तो इतना मास का नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जब चेन नीचे गिर जाएगी तो टेबल पे पड़ा हुआ मास कम हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। चेन और नीचे गिर गई, बहुत नीचे गिर गई, वेट कम हो गया चेन का टेबल पे, नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में क्या है? वेरिएबल। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल है, और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल है और आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल फोर्स के तो इंटीग्रेशन से ही आंसर आ सकता है। ठीक है यहाँ तक? अब प्रॉब्लम यह है कि इस चेन के ऊपर आपको अगर काम करना है तो आप पूरी चेन का वर्क डन निकाल नहीं पाएंगे, आपको इसका एक एलिमेंट लेना पड़ेगा छोटा सा। ये छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ क्या है? dx, और जिसकी दूरी टेबल के कोने से क्या है? x। तो ये जो dx है इसका मास क्या होगा? dm। तो dm निकाल लेते हैं। अगर चेन की लेंथ l है तो टोटल मास m है, 1 है तो m बाय l है, और अगर dx है तो m बाय l इंटू dx है। तो यहाँ पर क्या आएगा? m बाय l इंटू कितना? ठीक है, डीएम। तो ये इसका मास है, तो इस मास का नॉर्मल, देखो जो फोर्स हम कर क्या रहे हैं, हम ना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इस एलिमेंट, ये एलिमेंट घिसटता हुआ यहां से यहां से यहां आएगा तो फ्रिक्शन इस एलिमेंट पे काम करेगी, कितने डिस्टेंस तक काम करेगी? एक्स। तो क्या आएगा वर्क डन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू एक्स, इतना वर्क डन होगा। तो ये जो वर्क डन होगा इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी क्या? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन छोटे से एलिमेंट का होगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन इसका मास, मास क्या है? एम बाई एल इंटू डी एक्स, और वेट क्या है? इंटू जी। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ पुट कर देते हैं, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू कितना? एक्स। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम एल जी, बाहर आ गया। एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक? पहला एलिमेंट जब यहाँ पर है तो एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो। आखिरी एलिमेंट यहां पर है तो एक्स की वैल्यू क्या है? 2L/3। तो इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऐसे वर्क डन में फ्रिक्शन निकलेगा अगर चेन टेबल से खिसकती हुई नीचे आ रही है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है वो, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। चेन को उठा के रखना ईजी है, गेरने में आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट और लास्ट था वो क्या है? स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में हमने क्या किया? स्प्रिंग्स के अंदर ये किया कि कोई भी अगर स्प्रिंग है और आप स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अगर आप इस नेचुरल लेंथ के स्प्रिंग को एक्सपैंड करते हो बाय अ फोर्स ऑफ एफ, तो वो एक्सपैंड होके कहाँ पर आती है? एक्स। तो आपकी फोर्स एफ है जो कि के एक्स है, लेकिन स्प्रिंग की फोर्स इज माइनस के एक्स है। तो जो कहाँ एक्ट करेगी? इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पहला स्टेप है।
जब आप इसे खींच लेते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो स्प्रिंग के एनर्जी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर है, ये हमने किया था। तो इसको प्रूव करने का क्या तरीका था, हमने ऐसे किया था कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है जो अपनी नेचुरल लेंथ पे है और आपने इसको एक्सपैंड कर दिया बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ, मान लो आपने एक्स एक्सपैंड किया, तो क्योंकि एक्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो एफ भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स वेरिएबल है, तो इस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आप करेंगे इसको एक्सपैंड करने के लिए, तो वो वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, आपकी जो है वो वर्क डन एक्स पे डिपेंड करेगा, तो फोर्स वेरिएबल है। तो डी डब्ल्यू की जगह क्या पुट करेंगे, के टाइम्स एक्स डी एक्स करेंगे और फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके एक्स तक, तो आपके पास वर्क डन आफ्टर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर इज एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्पेक। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है,